What's going on guys? Assalamualaikum. Back at it with another video. I hope आप सब ठीक होंगे. तो भाई आज हम फिर से एक जूते का रिव्यू लेके आ गए हैं yet again. अच्छा भाई तो सीन ऐसा है कि बूट्स किसको पसंद नहीं है. ओ बाय द वे आई मीन बूट्स BOOTS यू नो टी फॉर टार्जन बूट्स यस बूट्स किसको पसंद नहीं. आज से कुछ अर्से पहले तक जब तक कैट के जूते कराची में मिल जाया करते थे रेडिली अवेलेबल हुआ करते थे तो हमेशा हर किसी के पास एक सेफ राउट हुआ करता था कि यार इफ समवन वांट्स टू यू नो स्पेंड मनी टू बाय अ गुड बूट आप जाके कैट के जूते खरीद लें. जिस टाइम पे फ्लैश शूज तारिक रोड पे खुला था उनके पास क्या किलर कलेक्शन आई थी कैट के जूतों की कैट के बूट्स की. मैंने पर्सनली उधर से कैट के बूट्स लिए थे एंड दे वर वेरी गुड. उसके बाद मैंने एक दो जगहों से और कैट के बूट्स लिए बिकॉज हर जगह मिल जाया करते थे. ऐसा ऐसा कैट खत्म होना शुरू हो गया. अब एट दिस पॉइंट कैट आपको बहुत मुश्किल से मिलता है. कैट के आप वेबसाइट पे जाएं जो कि पाकिस्तान की वेबसाइट है और वहाँ पे आधे से ज्यादा जो है उनके पास साइजेस नहीं है, स्टॉक नहीं आ रहा है, अवेलेबिलिटी नहीं है, वैरायटी नहीं है. तो भाई आपको बूट्स मिलना अजाब हो जाता है. यू आर विलिंग टू बाय एन एक्सपेंसिव बूट तो यू रियली डोंट हैव दैट मेनी ऑप्शंस. अभी कुछ दिनों पहले मैं चलता फिरता स्केचर्स की दुकान में घुस गया. मैंने सच्ची बात है कभी पहले स्केचर्स पे इतना ज़्यादा अवॉर्ड नहीं किया था. आई न्यू कि इनकी दुकान लगीवन में है बट मैं हमेशा उनकी दुकान के सामने से ऐसा चलता फिरता निकल जाता. एक दिन मैंने सोचा गया दुकान के अंदर जाकर देख लिया जाए कि जूते हैं कैसे, डू दे इवन हैव गुड शूज और नॉट. एंड आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज. बाकी जूते तो इतने कोई खास नहीं थे, दे वर प्रीटी जेनेरिक रनर्स और बाकी जो कैजुअल वेयर के लोफर्स टाइप होते हैं बट दे हैड गुड बूट्स. एंड आई वॉज एक्चुअली वेरी वेरी सरप्राइज टू सी कि उनके बूट्स काफ़ी सॉलिड थे. दे वर एक्सपेंसिव. आई विल नॉट टेल यू गाइस के बजट जूते थे. आई विल नॉट टेल यू गाइस के सस्ते थे. दे आर प्रीटी एक्सपेंसिव शूज बट द गुड थिंग इज देयर इज अ प्लेस वेयर यू कैन फाइंड बूट्स एंड दैट इज एक्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू बी कवरिंग टुडे. सो वी हैव अ स्केचर्स बूट इन ब्लैक एंड आई विल बी कवरिंग इट. आई विल बी गोइंग थ्रू द एंटायर शू. आई विल बी शोकेसिंग इट और उसके बाद मैं अपना नजरिया अपना ओपिनियन दूंगा शू के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा भाई ये इसका डब्बा आ गया और बड़ा ही कोई फिल्मजी किस्म का डब्बा है. मुझे तो घुमाते फिराते हुए भी डर लग रहा है बिकॉज इधर से इधर उधर से खुला हुआ है. स्केचेस वालों प्लीज़ अपने डब्बों का यार थोड़ा सा ख्याल करें आप लोग. लेकिन आप सारा डब्बा इधर उधर इट्स फॉलिंग अपार्ट. खैर लाइक टॉप पे यू हैव स्केचेस एयर कूल्ड मेमोरी फोम एंड एवरीथिंग रिटन. आई विल कम टू द मेमोरी फोम सेक्शन इन अ बिट. ऊपर भी यू हैव ऑल योर बेसिक ब्रांडिंग गोइंग ऑन. यहाँ पे भी देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रांडिंग. हर जगह चीज़ें लिखी हुई हैं बस जूते पे. देयर यू गो देयर यू गो. यहाँ साइज लिखा हुआ है, जूते की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है एंड एवरीथिंग. दैट वाज इट. नीचे लिखा हुआ है मेड इन चाइना. देख रहे हैं आप ये किस तरीके से जूते का डब्बा इधर उधर हो रहा है. खैर भाई तो अंदर वी फाइंड दिस शू. दिस इज द शू दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. दिस इज द बूट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स अ ब्लैक कलर्ड बूट. इट लुक्स वेरी बैडास एंड लुक्स वेरी बल्की. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा था विच इज़ वाई आई पिक्ड इट अप. और इसके शोकेस में थोड़ी देर बात कर दूंगा बट फर्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द बूट. लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इस पर क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं हो रहा. तो द फर्स्ट थिंग यू नोटिस अबाउट द बूट इज कि भाई इसके बड़े ही कोई खतरनाक एग्रेसिव किस्म के लुक्स हैं. और एज यू कैन सी इसकी सोल में इंतहा ज़्यादा ग्रूविंग हुई हुई है. वो मेनली इसी वजह से है कि टू प्रोवाइड अ सॉलिड ग्रिप बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द टाइम जो जूते जो है वो यूटिलिटी में यूज़ हो रहे होते हैं. हमारे यहाँ तो इसको फैशन में यूज़ कराया रहा होता है बट आई डोंट माइंड यूजिंग इट फॉर फैशन एज वेल. खैर ये रहा भाई इसका साइड. साइड पे यू हैव दी स्लॉट्स जो कि बाहर वाला जो सेक्शन है उसमें कटे हुए हैं. उसके अंदर से जो है जूते का जो अंदर वाला मटेरियल है वो बाहर आ रहे हैं. काइंड ऑफ पॉपिंग आउट थोड़ा सा उठा हुआ है. लुक्स वेरी नाइस, फील्स वेरी नाइस. आईलेट्स जो हैं वो अगेन मैट फिनिशिंग में. दे आर नॉट शाइनी, लुक्स वेरी बैड एस और हेक्सागन शेप में आएंगे. आगे भाई आपका ये शू सोल जो है ये रनर्स की तरह थोड़ी सी उठी हुई है बट अगेन आपको इतना खास रनर वाला इसमें लुक आता नहीं है. लुक्स वेरी यू नो वेरी बल्की एंड वेरी एग्रेसिव. साइड में वही चीज़ चल रही है आपकी जो कि उस साइड पे थी. अगेन योर हेक्सागन आईलेट्स योर सेम चार कट पैटर्न गोइंग ऑन. अच्छा साइड पे और बैक पे जो है यू हैव दीज थ्री रेक्टेंगुलर पैटर्न गोइंग ऑन. इसकी स्टिचिंग हर जगह हुई हुई है और वो बहुत ज़्यादा विजिबल हैगी. आगे भी विजिबल है, यहाँ भी विजिबल है, यहाँ भी विजिबल है. और वो एक बड़ी कोई यूटिलिटी ख़तरनाक किस्म की यू नो एग्रेसिव लुक देती है कि जूता बड़ा ही कोई रगड़ किस्म का आएगा. पीछे एज यू कैन सी के स्केचर्स की ब्रांडिंग हुई हुई है. सोल पीछे से इस तरीके की है और साइड में हम फिर से आ गए. यहाँ पे एक मेटल का टैग लगा हुआ है जिस पर वाटर प्रूफ लिखा हुआ है. येस दिस शू इज़ वाटर प्रूफ विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड फीचर अगर आप इसको यूटिलिटी के तौर पे यूज़ कर रहे हैं. अच्छा पीछे इसके जो है इसके स्केचर्स की ब्रांडिंग के साथ ये एक लूप भी लगा हुआ है जो सेम उस तरीके का है जैसा इसके आगे टंग पे लूप लगा हुआ है. और इसके साइडों पे दोनों साइडों पे आपको फाइनल लेस की नॉट बांधने के लिए ये इस तरीके के आपको
हुक्स दिए हैं जो कि काफ़ी बल्की हुक्स आएंगे, काफ़ी बड़े बड़े हुक्स आएंगे। नीचे तो आईलेट्स आएंगे और ऊपर जो है यू हैव दीज हुक्स, और ये भी सारे मैट फिनिश में है। इट्स बेसिकली दैट ब्लैक्ड आउट मेटल फिनिश एंड लुक्स वेरी बैडास। अच्छा भाई, एक जो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है मुझे आप लोगों को बतानी है इस जूते के बारे में, वो ये है कि इसकी सोल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है। तो ये पीछे से जो है तकरीबन कोई, एक मिनट मेजर कर लेते हैं, जी ये पीछे से कोई तकरीबन 1.5 इंच की सोल है यहाँ से, और ये आगे जाके तकरीबन 1 इंच की हो जाती है। तो आप इस चीज़ को नज़रिए में रखते हुए जूता लीजिएगा कि अगर तो आपकी हाइट लंबी है तो आप ये पहन के थोड़ा और लंबे लगेंगे। अभी जब मैं पहन के दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक्चुअली पहन के भी थोड़ा बल्की लगते हैं एंड दे आर एक्चुअली क्वाइट हैवी। और इसका सोल वाला सेक्शन ही हैवी है बिकॉज ऊपर से जूता इतना हैवी नहीं लगता जितना नीचे से लगता है। यहाँ पे इसका एक गोगा मैट का जो है वो टैग लगा हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में क्या है क्या नहीं है। अंदर आपकी जो है लाइट का थोड़ा सा मसला, अंदर आपकी स्केचर्स की ब्रांडिंग हुई हुई है एंड दैट्स अबाउट इट। नीचे भी स्केचर्स की ब्रांडिंग हुई हुई है और नीचे इसके सोल पैटर्न लाइक आई सेड बड़ा ही कोई एग्रेसिव किस्म के हैं। अच्छा, इनका जो है गोगा मैट का ये सीन है कि व्हाट दे आर क्लेमिंग इज कि भाई ये मेमोरी फोम से जो है ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ है और इसमें कुशनिंग ज़्यादा है, इसमें आपके जो स्प्रिंगीनेस है वो ज़्यादा आएगी, तो इसमें शॉक एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगेन आई वुडेंट बी सरप्राइज कि ये एक्चुअली सच हो, उसकी वजह ये है बिकॉज लाइक आई सेड कि ये बूट्स यूटिलिटी के लिए बनते हैं, तो यूटिलिटी में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, बहुत ज़्यादा काम आ रही होती हैं। जब वर्कर्स वगैरह, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इसको पूरा पूरा दिन पहन के घूम रहे होते हैं, तो उनके लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं। जूता कितना कंफर्टेबल है, कितना ज़्यादा शॉक एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना ज़्यादा उसमें वेंटिलेशन है। और वेंटिलेशन में आता है, इन्होंने जो डब्बे पे लिखा हुआ था एयर कूल्ड मेमोरी फोम, अब मुझे नहीं पता कि यार इन्होंने मेमोरी फोम भी लिखा हुआ और इस पर गोगा मैट का भी जो है स्टिकर लगाया हुआ, तो आई एम गेसिंग इन्होंने दोनों चीज़ें दी हैं साइमल्टेनियसली। व्हाट दे हैव डन इज कि जो भी सोल है अंदर का उन्होंने उसको एयर कूल्ड रखा है विच प्रोवाइड्स अ वेरी गुड वेंटिलेशन आपके पाँव पर जब आप जूता पहने हुए होते हैं, इट एक्चुअली मेक्स द शू ब्रीथेबल। अगर आप फॉर इंस्टेंस ज़्यादा देर के लिए जूता पहने हुए हैं तो आपके जूते को आराम से सांस लेने का मौका मिल जाएगा विच हेल्प्स इंक्रीज द कंफर्ट लेवल ऑफ द शू, कि अगर आप पूरा पूरा दिन भी जूते पहने हुए हैं तो आपको इतना ज़्यादा इनकन्वीनियंट नहीं लगेगा। तो भाई ये हो गया आज का हमारा जूता कवर करने का, इट वाज दी बूट, इट वाज दी ब्लैक बूट बाय स्केचर्स। स्केचर्स का एक और बूट है मेरे पास कवर करने को। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, इफ यू हैवंट प्लीज मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।